इस वक्त की सामने आ रही है वो दर्शकों को बताएंगे और रुझान आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज स्टेट पर दूसरे चरण का पहला रुझान, जैसा कि हम कह रहे थे कि जल्द ही रुझान देखने को मिलेगा और पहला रुझान नागौर में पहला रुझान आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, दो वार्डो पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो आज खाता पहले कांग्रेस ने खोला, पिछली बार हमने देखा था कि खाता बीजेपी का पहली बार खुला था और ट्रेंड उसके बाद बीजेपी के पक्ष में रहा था। शुभेंदु, क्या ट्रेंड बदलने जा रहा है ये भी संकेत है? शुभ संकेत फिलहाल कांग्रेस के लिए नजर आ रहे हैं। नागौर से पहला रुझान सामने आ चुका है और दो वार्डो पर कांग्रेस की जीत, और इस जीत के साथ श्री गणेश हो चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए। और न्यूज स्टेट पर दूसरे चरण का ये पहला रुझान अब सामने आ चुका है, जो कि लगातार आप देख रहे हैं। जैसे कि हम कह भी रहे थे कि आधे घंटे के बाद कुछ हलचल होती हुई नजर आएगी, और लगभग आधे घंटे का समय, लगभग 20 मिनट के आसपास समय हो चुका है, और अब धीरे धीरे जो रुझान है और कुछ रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हुए नागौर से ये फुल फ्लैश पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। जो नतीजे हैं वो सामने हैं, दो वार्डों पर कांग्रेस की जीत हुई है। आप जरा जल्दी से एक रिएक्शन, योगेश जी, शुभ संकेत, खुश तो होंगे अब? शुभ समाचार आपके चैनल के माध्यम से मालूम पड़े हैं, और मैं यहाँ पर एक बात खंडन करना चाहूंगा थोड़ा सा कि पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित जीत नहीं मिली है। टोटल 875 में से कांग्रेस के पास 386 सीटें आई थी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार। वो ये कह रहे हैं कि हम 40 से ज्यादा अपने अध्यक्ष बनाएंगे, ये तो उनका कहना है। 60 और इंडिपेंडेंट 129 जीते, उसमें भी मैक्सिमम कांग्रेस के लोग हैं। अगर जिला प्रशासन और प्रशासनिक अमले ने सरकार का एक तरफी पक्षी कार्रवाई नहीं की होती तो हम 450 से ज्यादा पंचायत। वो तो ये कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष हमारे बनेंगे ज्यादा नहीं, वो 28-29-30 को इनके सारे मुगालते दूर हो जाएंगे। देखे, कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में भी कहा था कि अब की बार 200 पार, क्या हुआ? अभी पंचायत चुनाव में भी कह रहे हैं क्या हुआ, और फर्स्ट फेज के चुनाव में भी कह रहे थे 16 की 16 नगर निगम हमारी है। अभी मेरे मित्र धीर जी बैठे हुए कह रहे 5 चुनाव हम जीतेंगे, शाम तक सारे मुगालते। देखिए, पब्लिक इनकी कार्यशैली को भली भांति क्यों जानती है। योगेश गुप्ता जी, आपको आप इतना आश्वस्त कैसे हैं? अगर अगर यही दावा जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता कर देते तो आप कह देते देखिए ईवीएम के साथ साठगांठ है, इनको पहले से पता है। तो आप जो दावा कर रहे हैं 3 सीटों पर, वो किस आधार पर? मैं दावा जनता लोकतंत्र के इस पर्व में जनता जनार्दन होती है और जनता का जो तो सर हार को भी उसी अच्छे ढंग से स्वीकार करना चाहिए। कल एक तस्वीर हमने दिखाई भी और वो बहुत अच्छी तस्वीर थी। बीजेपी का एक उम्मीदवार वो हारे पार्षदी का चुनाव, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद वो जनता के बीच गए, शुक्रिया अदा किया, तो फिर हार स्वीकार होनी चाहिए। नहीं, हमारे भी पार्षद में, या भोपाल शहर की अगर मैं बात करूं तो अमित शर्मा जी ने सार्वजनिक रूप से मतदाताओं का आभार व्यक्त किया, 2 बार के पार्षद और उन्होंने बाकायदा जनता से बोला है कि जहां मुझे कमी रह गई उनका, हालांकि वार्ड चेंज हो गया था लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कड़ी फाइट दी। तो देखिए, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन जनादेश का जो वोट ऑफ परसेंटेज, इनका बूथ विस्तार अभियान फेल हुआ, इनका बूथ विस्तारक अभियान फेल हुआ, पन्ना प्रभारी फेल हुए, इनका 41% से 51% का अभियान फेल हो गया, वोट ऑफ परसेंटेज इनका माइनस हुआ, कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, जरा गीतधीर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा काउंटर रिएक्शन ले लेते हैं। काउंटर रिएक्शन गीतधीर जी, बहुत मार्जिनल जीत हार हुई है, तो ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी भी देख रही है, इसकी समीक्षा भी होगी। मिशन 2023 सामने है और आगे आने वाले समय में हम इसको अपने मंडलम सेक्टर के माध्यम से और मजबूत करेंगे, जहां कोई कमी बेची रह गई है। जनता तक जो मुद्दे है, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस, आटे से लेके नमक तक, सब पर जीएसटी लगा दिया इन्होंने, तो किस तरह का विकास कर रहे हैं? ठीक, जल्दी से रिएक्शन कीजिए आपका, उसके बाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। ये जो मुद्दे मेरे आदरणीय भाई जो गिनवा रहे हैं, क्या गैस की बात हो, एक बात तो इनके राहुल गांधी जी ने सही कही थी कि साहब हम 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, बिल्कुल सही कहा था साहब, उसके ऊपर 850 रुपए 900 रुपए की सब्सिडी भी वो जो थी वो सरकार को भुगतनी पड़ रही थी। अब कोई सब्सिडी नहीं, अब बल्कि जो टैक्स वो जो सब्सिडी है वो अब डायरेक्ट 200 रुपए आदमी के खाते में आती है और सिलेंडर है 1000, वो भी बंद है अब तो बहुत सब्सिडी पिछले 3-4 साल से बंद है, माननीय आपको जानकारी का अभाव है तो मैं दुरुस्त कर दूं। भाई साहब, आप जो बोलते हैं पूरी बात सुनता हूँ संयम से, मैंने करेक्ट किया है आपको, मैं टोक नहीं रहा, नहीं नहीं मेरा आग्रह आप गलत बयान, नहीं नहीं फिर मजा नहीं आएगा, आप जनता भी देख रही है, योगेश जी मैंने टोक दिया उनको, बयान ही नहीं, कोई सब्सिडी किसी को नहीं मिल रही आज की डेट में, उज्ज्वला योजना भी आपकी फेल हो चुकी है। चलिए, ऐसा वैसा नहीं है, चलिए अपन विषय बदल देते हैं। आपका दूसरा पॉइंट था
कि आप पन्ना प्रभारी की और हमारे बूथ विस्तारक त्रिदेव योजना की बात कर रहे थे, भाई साहब हमारी तो योजना सफल हुई है और आपको परिणाम भी दिख रहे हैं, पार्षद देखिए सबसे अधिक आए हैं, आज के भी परिणाम दिख जाएंगे। लेकिन एक और बात, आपने 50 लाख लोगों को जोड़ने का एक टारगेट शुरू किया था, वो कांग्रेस पार्टी जो है उसमें 10 लाख नहीं जोड़ पाई, डूबते हुए जहाज की सवारी करेगा कौन आखिर? ये कमलनाथ जी ने जो अभी कहा था वो कर दिखाया कि मैं चुनाव को सीरियसली नहीं लेता। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए साधन संपन्न नेता है, ऐसा भी नहीं कि कोई दिक्कत हो, हेलीकॉप्टर से जाके वोट डालाते। एक मैं रोक रहा हूँ आपको, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है, नगर परिषद अमरपाटन के नतीजे, वार्ड नंबर 9 में बीजेपी जीती है, वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस जीत गई है। शुभेंदु, बिल्कुल, और जाहिर तौर पर यहाँ अब धीरे धीरे करके नतीजे भी सामने आ रहे हैं, वार्ड नंबर 9 में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और इसी के साथ यहाँ आपको ये भी बताएं कि अब यहाँ बीजेपी ने भी खाता खोल लिया है, वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस जीती है। और इसी के साथ नगर परिषद अमरपाटन के जो नतीजे हैं वो अब सभी के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे हर वार्ड बार हम देने की कोशिश लगातार जनता को कर रहे हैं, और ये वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस की जीत हो गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी खाता यहां पर खुल गया है। नगर परिषद अमरपाटन के नतीजे ये आपके सामने हैं, दो वार्डों के नतीजे आए हैं जिसमें वार्ड नंबर 9 में बीजेपी जीती है, तो एक वार्ड से कांग्रेस को भी जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये दोनों ही पार्टियों के लिए, फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही एक अच्छे संकेत देते हुए, लेकिन जो खाता है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा खोल दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल अमरपाटन से जानकारी, जहां पर वार्ड नंबर 9 में बीजेपी जीती है, और इसी के साथ वार्ड नंबर 7 की अगर जानकारी दें तो कांग्रेस पार्टी इस सीट से जीती है। रतलाम से हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, अभी क्या अपडेट है रतलाम से? बड़वानी से हमारे संवाददाता हेमंत जुड़ चुके हैं। आप हेमंत, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? निवाली के मतगणना से जी, मैं बड़वानी जिले की अगर बात कहूं तो यहां पर दो मतगणना सेंटर बनाए गए हैं, जहां ठीकरी और निवाली में पहली बार निर्वाचन हुआ है। नगर परिषद के लिए निर्वाचन संपन्न होने के बाद से स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच में मतपेटियां रखी गई थी, जो आज सुबह यहां पर स्ट्रांग रूम से लाई गई। मतगणना सेंटर निवाली पर हम समय मौजूद है, जहां पर लगभग 15 वार्ड के लिए मतगणना प्रारंभ हो गई है। 9 बजे से विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों के बीच प्रेक्षक निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना का कार्य चल रहा है, और जल्द ही रुझान शुरू होंगे क्योंकि मात्र 15 वार्डों के लिए यहां पर गिनती की जा रही है और काफी कम संख्या में वोटर है। लगभग 80 से अधिक प्रतिशत यहां पर मतदान हुआ है, मात्र 10-11 हजार कुल वोटर हैं जिनकी गिनती की जाना है, और यह कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मतगणना सेंटर पर हम मौजूद है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में इस समय मतदान की जो पेटियां हैं वो खुल चुकी हैं और उनकी मतगणना का कार्य चल रहा है। यानी कि अब धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे अब जो रुझान है वो सामने आते चले जा रहे हैं, और इसी को लेकर के हर पल की जानकारी। हेमंत, अगर हम उम्मीद करें तो कितनी देर में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे? और यहां तक जैसा आपने कहा कि बहुत कम वोटर्स हैं, तो क्या ये माना जाए कि